हेलो फ्रेंड्स, शिवांगीज किचन न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जलेबी, जो कि घर पे झटपट से बन जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक कटोरा मैदा लिया है, जिसको हम छान लेंगे अच्छे से। और ये यहाँ पे हमारा मैदा छन चुका है और हम इसको अब पतीले में डाल देंगे किसी बर्तन में। और यहाँ पे हमने आधा कटोरे से, उसी कटोरे से, आधे कटोरे से कम दही ली है और ये आधी चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर लिया है। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही को भी हमें इसमें अच्छे से मिलाना है, अच्छे से इसको फेंटना है, इसमें कोई लम्स ना रहे। और पानी हम इसमें धीरे धीरे करके ऐड करेंगे, एक ही साथ बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, जिससे कि बैटर आपका बहुत पतला ना हो जाए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मिलाते रहेंगे वैसे वैसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहिएगा। और ये जो जलेबी का बैटर होता है, इसको बहुत ही पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, तो एकदम ठीक ठीक। और यहाँ पर हम ये थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर लेंगे, ये भी थोड़ा सा, चुटकी भर, चुटकी भर से भी थोड़ा कम ही लेना है, इसी से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें अच्छा सा कलर आ गया, ऑरेंज कलर आ गया है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ें दें तो उनमें थोड़ा एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर लें। तो ये यहाँ पे हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख लेंगे और तब तक हम यहाँ पे अपनी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे पतीले को हाई फ्लेम पे गरम करने के लिए रख लिया और उसमें 1.25 कटोरे हमने चीनी डाल दी है। एक हमने पहले डाल दिया था और ये पूरा भर के नहीं है, थोड़ा सा कम। और उसी कटोरे से हमने इसमें 1 कटोरा पानी ऐड कर लिया है। और अब हम इसको यहाँ पे अच्छे से बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारी चीनी नीचे न लगे और जले ना। चीनी चाशनी में थोड़ा गंदगी जैसी दिख रही थी, तो मैंने उसको साफ़ करने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है। अब जो गंदगी होगी वो दूध के साथ किनारे आ जाएगी और अब हम इसको निकाल देंगे। ऐसे ऐसे करके हम सारी इसकी जो गंदगी है वो झाग दूध के साथ आ जाएगा, तो इसको निकाल देंगे। हमने यहाँ पे एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनाई है, केवल चीनी को मेल्ट करना है, अच्छे से उबालना है। और ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलायची कूट के डाल रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा ऑयल हाई फ्लेम पे हमने गरम करने के लिए रख लिया है और जैसे ही ऑयल गरम हो जाता है हम इसमें जलेबी बनाना शुरू कर। जलेबी वैसे तो स्पेशली एक कपड़ा होता है, लेकिन अगर आपके पास वो कपड़ा में आप दूध की थैली या सॉस की बॉटल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध की थैली ली है, बैटर भर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे इस बड़ बैंड से कर दूँगी, तेल चेक कर लूँगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा बैटर इसमें डाल दिया है, एक पक के एक एक करके जलेबी कर लेंगे। तो कढ़ाई थोड़ा छोटी में बना रही हूँ और जब एक तरफ अच्छी जलेबी इसी तरीके, और जब एक तरफ पकना है और ये यहाँ पे बन गई है, तो थोड़ा सा चाशनी जलेबियाँ बन के तैयार हो गई हैं, जो कि खाने में बड़ी ही क्रिस्पी और क्रंची। तो आज की रेसिपी यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।